पूर्णिया में पुस्तक मेला 2022 का आयोजन हो गया है। मेला में किताबों के कई स्टॉल लगे हैं और स्टॉल पर पाठकों की भीड़ भी देखी जा रही है। खास बात यह है कि पूर्णिया और सीमांचल क्षेत्र के रचनाकारों की कृतियां यहां के पाठकों के लिए खूब आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसमें अगर स्थापित रचनाकारों की रचनाएं हैं तो वर्तमान पीढ़ी के रचनाकारों की कृतियां भी हैं। देश विदेश के कई प्रकाशक आने वाले हैं और अभी तक तो भारतीय ज्ञानपीठ वाणी प्रकाशन और रचना का प्रकाशन वगैरह कुछ प्रकाशक आए हैं, कुछ और आने की संभावना है। मेरी भी अपनी एक पुस्तक गुल्लक मेले में के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध है और आम आदमी को समर्पित है। ये मेला में लोगों की रुचि, पाठकों की रुचि बढ़ेगी किताबों में, इसलिए हम लोग ये मेला का आयोजन हम लोग किए हैं। गुल्लक की सारी रचनाएं, इसमें 45-46 रचनाएं हैं जो मैंने पिछले 2-3 सालों में लिखी है। इसमें जन सरोकारों के जन प्रश्नों से मुठभेड़ करती हुई सारी कविताएं हैं जो हमारी सीमांचल की जो समस्याएं हैं या आम आदमी की जो भी समस्याएं हैं उस पर मैंने लेखनी अपनी चलाई है। उम्मीद करता हूँ ये पाठकों को पसंद आएगी। इस पुस्तक मेले में आए हुए कुछ साहित्यकारों से जब बात की गई तो इस संदर्भ में राम नरेश भक्त ने कहा कि अभी कुछ स्टॉल लगाए जा चुके हैं और कई प्रकाशकों के स्टॉल अभी आने बाकी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला प्रशासन की ओर से यहां स्टॉल लगाए गए हैं और लोगों को आपदा संबंधित जानकारी भी दी जा रही है। शैक्षणिक विकास के लिए भी जागृति पैदा की जा रही है। इस पुस्तक मेला का उद्घाटन पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा के हाथों किया गया। यह पुस्तक मेला 10 दिवसीय है, 5 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक के लिए आयोजित है और पूर्णिया की एक परंपरा रही है कि यहाँ पुस्तक आयोजन समिति होती है, मेला आयोजन समिति, और मेला आयोजन समिति ने इसकी व्यवस्था की है और अभी तक हमारे यहाँ प्रकाशक वाणी प्रकाशन मुख्य रूप से आए हैं जिनका बड़ा सा स्टॉल लगा हुआ है और भी स्थानीय स्तर के सीमांचल के कई स्टॉल पुस्तक के लगे हैं जिसमें मैथिली के, हिंदी के, कुछ अंग्रेजी और बंगला के भी की पुस्तकें यहाँ हैं उपलब्ध। पुस्तक है यहाँ पे उपलब्ध होंगे पाठकों के लिए सर। यहाँ लगभग हिंदी पट्टी के देश के जितने नामी ग्रामीण साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, सब लोगों की रचनाएं वाणी प्रकाशन के स्टॉल पर उपलब्ध हैं। स्थानीय स्तर पर जो है सीमांचल के जो हमारे विरासत हैं, रेणु की पुस्तकें लगी हुई है, अनुपलाल मंडल जी की पुस्तकें लगी हुई हैं, चंद्रकिशोर जायसवाल जी की पुस्तकें लगी हुई हैं, यहाँ स्थानीय जितने भी कवि लोग हैं, उपन्यासकार हैं, उनकी पुस्तकें लगी हुई हैं, अभी पुस्तकें आ रही हैं और सभी रचनाकार प्रकाशन के स्टॉल पर सीमांचल साहित्य के रूप में वो पुस्तकें उपलब्ध हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है पुस्तक की संस्कृति का, तो समझिए कि वो अतुलनीय है, उसकी तुलना ऑनलाइन से नहीं हो सकती है। यहाँ पर जो उपलब्ध है हमारा, वो हमारी अपने चहेते हमारे मन में जिन पुस्तकों की चाहत है वो तुरंत ही उपलब्ध हो जाएगी। ऑनलाइन सर्च करो, खोजो, कभी आएगी पुस्तक, कभी वहाँ प्रकाशक के पास है नहीं है, उसमें बहुत तरह के झमेले होते हैं, है वो भी अपनी व्यवस्था है, आज की आधुनिक व्यवस्था है, लेकिन पुस्तक मेला और मेले में की उपलब्धता जो है वो अनमोल चीज है। सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया शोरूम, यहाँ ब्राइडल लहंगा, गर्ल्स लहंगा, फैंसी डिजाइनर साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, ब्राइडल साड़ी, विशाल, सुभाष, लक्ष्मीपति कॉटन साड़ी, कोरा कॉटन साड़ी समेत सभी तरह के ब्रांडेड साड़ियाँ एवं ब्राइडल लहंगा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया, यहाँ सभी रेंज के मनमोहक और आकर्षक डिजाइन वाले कपड़े उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9351052229 9341505230। आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सेनेटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम अब एक ही छत के नीचे NH-31 मरंगा पूर्णिया में। यहां लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स मार्बल्स उपलब्ध हैं, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम किचन टाइल्स की पूरी रेंज। यहाँ एक ही छत के नीचे कैरोविट का सेनेटरी वेयर भी उपलब्ध है।
जैसे कमोड, वाटर हीटर, शावर, शावर एक्सक्लोजर, बाथटब, स्टीम सॉल्यूशन एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन, तो अपने सपनों के घरों को एवं बंगलों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए अवश्य पधारें आदित्य इंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम NH31 मरंगा पूर्णिया।